हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिड के बारे में। एक बिड को प्रैक्टिकल हम पार्टिसिपेट करके देखेंगे और देखेंगे क्या क्या नए चेंजेस आए हैं बिड में। पहले बिड पार्टिसिपेट का जो प्रोसेस था काफ़ी अलग था, अब जो बिड पार्टिसिपेशन का प्रोसेस है काफ़ी अलग हो चुका है, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। तो आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली हम बिड के बारे में सीखेंगे कि कितने तरीके की बिड होती है, कितने टाइप की बिडें होती है और आपको किस तरीके से बिड पार्टिसिपेट करना होता है और हाल फिलहाल में क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं बिड में, वो सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये तो बिड के ऊपर है, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी वो आएगी आप लोगों की डिमांड के ऊपर। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उसके ऊपर नेक्स्ट वीक वीडियो बन जाएगी। एंड अगेन कंटिन्यू यही चलता रहेगा। आप जो भी वीडियो बनेगी आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे बनेगी। बाकी अगर आप भी एक एक्सपर्ट जैम सेलर बनना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको सभी एक्सपर्ट सेलर ट्रेनिंग कोर्सेज मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी भी कोर्स को एनरोल करके एक एक्सपर्ट सेलर बन सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था, बिड में क्या क्या चेंजेस आए और बिड पार्टिसिपेशन। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और स्क्रीन पे चल के हम पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर लिया। और आईडी लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बिड वाले पेज पे चले जाते हैं। यहाँ से ये हम बिड वाले पेज पे आ गए और बिड वाले पेज पे आने के बाद अब क्या है, हमारे सामने नया डैशबोर्ड खुल गया बिड का। ठीक है, अब इस नए वाले डैशबोर्ड में यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होता है बिड पार्टिसिपेट करने के लिए, आपके सामने कुछ तरीके का डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कैटेगरीज पे सिलेक्ट करना है। ये सारी कैटेगरीज शो करेगा आपके सामने और ये सारी कौन सी कैटेगरीज शो करता है, जिन कैटेगरीज के आपने अपने अकाउंट में ऑलरेडी प्रोडक्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपके अकाउंट में कोई प्रोडक्ट अपलोडेड नहीं है तो आपके सामने इस तरीके के कैटेगरीज का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप जिन भी प्रोडक्ट में मैक्सिमम डील करते हैं आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपने अकाउंट में वो सारे प्रोडक्ट्स अपलोड कर लेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट अपलोड करना नहीं आता तो आई बटन पे पूरी जैम पोर्टल के प्लेलिस्ट की वीडियो बन जाएगी, प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, उसमें से प्रोडक्ट अपलोडिंग की क्लास देख के आप अपना पहले प्रोडक्ट अपलोड कर लीजिए। जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर लेंगे इस तरीके से आपके सामने क्या है, सारी कैटेगरीज आ जाएगी। यहाँ पे एक बार में आप 10 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप एक बार में 10 कैटेगरीज की बिडें देख सकते हैं कि कौन कौन सी बिडें हाल फिलहाल में जैम पोर्टल पर बनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ बिडें सिलेक्ट कर ली, ये सारी बिडें हो गई रैंडम और एक हो गया बीओक्यू। बीओक्यू बिड भी एक सेपरेट बिड होती है तो यहाँ पे हम बीओक्यू भी सिलेक्ट कर लेते हैं जब हम ऑल ओवर बिडों को सर्च करते हैं। तो अभी जो हमने बिडें सिलेक्ट की उसके बिहाफ पे हमारे सामने इतनी सारी बिडें आ रही है। अब ये देखिए जो इतनी सारी बिडें आ रही है ना, यहाँ पे 9,570 टोटल बिडें सिलेक्ट दिखा रहा है हमें जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट किया। और सबसे ज़्यादा जो बिडें बनती है आज के टाइम में वो बनती है बीओक्यू पे। जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे बीओक्यू को अनसेलेक्ट कर दूंगा, कितनी बिड हो गई, 37 बिड। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो सबसे ज़्यादा काम करना है, फोकस करना है, बीओक्यू पे टारगेट रखना है। क्योंकि आज के टाइम में आप ये मान के चल सकते हैं 95% बिड जो बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीओक्यू बिड बन रही है, आरए बिड नहीं बन रही। अब ये बीओक्यू बिड क्या होता है, आरए बिड क्या होता है, थोड़ा सा पहले मैं वो समझा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को पता है बिड के बारे में वो थोड़ी सी वीडियो स्किप करके कंटिन्यू आगे की वीडियो देख सकते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए पहले बिड एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए अभी हमारा क्या होता है ना, जैम पोर्टल पे बिड के 6 टाइप होते हैं। पहला होता है बिड आ रहे, दूसरा होता है बंच बिड आ रहे, तीसरा होता है सर्विस आ रहे, फिर चौथा होता है सर्विस बंच बिड आ रहे, फिर उसके बाद पाँचवा बीओक्यू बिड, छठा कस्टम बिड। बिड आ रहे, बिड आ रहे का मतलब ये होता है जब किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए बिड बनाई जाती है तो उसको कहते हैं हम बिड आ रहे। मतलब जैम पोर्टल पे वो प्रोडक्ट अपलोडेड है तो उस केस में बायर एक आरए बिड बना देता है। इसी तरह से बंच बिड आ रहे, बंच बिड आ रहे का मतलब क्या है, बायर को जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक बिड के अंदर परचेज करना है जिसको हम बंच परचेज कहते हैं तो उस केस में बनाता है बायर बंच बिड। इसी तरह से सर्विस में भी है, सर्विस अवेलेबल है उसके लिए एक सिंगल सर्विस बिड आ रहे और जो नहीं अवेलेबल है उसके लिए कस्टम सर्विस बिड आ रहे बनाता है। और बायर को अगर एक ही बिड में एक से ज़्यादा सर्विसेज बाय करनी है तो उस केस में बायर बनाता है बंच सर्विस बिड आ रहे। इसके बाद आ जाता है बीओक्यू। बीओक्यू की फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ क्वांटिटी। मैक्सिमम बायर जो बीओक्यू बिड क्रिएट करते हैं इस सिचुएशन में करते हैं जब बायर को बंच मतलब बंच परचेजिंग करनी होती है, एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी होती है तो बायर क्या करता है, बीओक्यू बिड बना देता है। और बीओक्यू बिड का एक बेनिफिट क्या है, आपको भी सेलर को बीओक्यू बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं करना पड़ता। अदर जितनी भी बिड है उन सभी बिडों में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्रोडक्ट अपलोड करना होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आ जाता है कस्टम बिड। कस्टम बिड का मतलब ये होता है जब बायर को कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना है या कोई ऐसा काम कराना है जो कस्टमाइज काम है, बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना है,
तो उस केस में बनती है हमारी कस्टम बिड। तो ये थे हमारे 6 तरीके के बिड के टाइप, ठीक है। और मैंने आपको बताया 95% से भी ज़्यादा जो काम हो रहा है आज के टाइम में BOQ बिड पे हो रहा है। तो अभी जो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, मेनली BOQ बिड पे बताऊंगा प्रोसेस कि BOQ बिड कैसे पार्टिसिपेट करनी होती है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी RA बिड का भी हम समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। BOQ बिड इसके बाद, पहले RA का मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अभी ये देखिए जो मेरे सामने बिडें दिख रही है, ये सारी RA बिडें दिख रही है, इनको RA बिडें बोला जाता है। RA बिड का मतलब स्पेसिफाई प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जिन प्रोडक्ट के लिए कैटेगरी जैम पे अवेलेबल है उसको बोला जाता है RA बिड। तो आपको RA बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले बिड का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। बिड का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे बिड के डॉक्यूमेंट को स्टडी कर लेना है फटाफट, जैसे कि ये बिड की ओपनिंग कब है, एंड डेट क्या है, बिड कहाँ की बिड है, किस डिपार्टमेंट की है, किस मिनिस्ट्री की है, कितनी क्वांटिटी मांगी गई है, क्या प्रोडक्ट मांगा गया है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। और इस वाले सेक्शन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इस बिड में आपसे मांगा गया है, ठीक है। इस तरीके से आप RA बिड में कभी भी आप पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एज पर कैटेगरी इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे ये जितने भी स्पेसिफिकेशन दिख रहे हैं ना, इस स्पेसिफिकेशन का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट अपलोड कर लेना है। प्रोडक्ट कैसे अपलोड करेंगे, आप मार्केट प्लेस में जाएंगे। मार्केट प्लेस में जाने के बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है रेस्टोरेंट चेयर, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मार्केट में इस कैटेगरी को सर्च करना है, यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ओपन कर लेना है, और ये जो सारी स्पेसिफिकेशंस है, इन सभी स्पेसिफिकेशन को एक एक करके यहाँ पे क्या करना है, सभी स्पेसिफिकेशन के फ़िल्टर लगा लेना है। फ़िल्टर लगाने के बाद आपके सामने प्रोडक्ट बैलेंस आ जाएंगे, उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को आप अपने अकाउंट में अपलोड कर लीजिए, अगर आप जिस ब्रांड में डील करते हैं उसमें, नहीं तो आप जिस ब्रांड में डील करते हैं वो ब्रांड नहीं अवेलेबल है तो उस केस में फ्रेश लिस्टिंग या क्रोन लिस्टिंग डाल के आप प्रोडक्ट अपलोड कर लीजिए। प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद 24 से 48 घंटे वेट करना होता है, इस बिड 24 से 48 घंटे आपको वेट करना है बिड में प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो ये प्रोसेस था हमारा नॉर्मल RA बिड के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने बिड पार्टिसिपेशन के प्रोसेस पे, मतलब सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, बिड पार्टिसिपेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट अपलोड कर लेना, 24 से 48 घंटे वेट करना अगर वो एक RA बिड है तो। अगर वो एक BOQ बिड है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ अगर BOQ भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे तो आपके सामने सारी बिडें आ गई कि कितनी बिडें BOQ में बनी हुई है। देखिए ऑनगोइंग बिड 9000 बिडें हैं, 9000 प्लस की भी बिडें हैं जो BOQ बिड बनी हुई है। तो इसमें से हम कोई सी भी एक बिड ले लेते हैं, मान लो ये वाले ले लेते हैं सर्टिफिकेट फॉर ऑटो, ठीक है। अब इस बिड में हमें पार्टिसिपेट करना है। जो BOQ बिड है और RA बिड है दोनों में बस फ़र्क इतना ही है, RA बिड में आपको प्रोडक्ट अपलोड करना होता है और BOQ बिड में प्रोडक्ट अपलोड नहीं करना होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें इस बिड में पार्टिसिपेट करना है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, बिड का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं, उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को सही से स्टडी करना है, क्वांटिटी स्टडी करनी है, क्या क्या डिमांड किया गया है वो सारी चीज़ें समझना है। देखिए जैसे क्वांटिटी इसमें 110 मांगा गया है, ठीक है। अब क्या क्या मांगा गया है, किस स्पेसिफिकेशन का मांगा गया है वो हमें समझना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए दो डॉक्यूमेंट लगे होते हैं, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और BOQ डिटेल डॉक्यूमेंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए ये जो है प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन निकल गए कि जो भाई इसमें ये 9 प्रोडक्ट मांगे गए हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी से मांगे गए, इनके ये स्पेसिफिकेशन है, तो जो आप प्राइस कोट करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन होता है BOQ बिड में आपको सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बिड में बेसिकली मांगा क्या गया है, ठीक है, ये पता चल जाता है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट को स्टडी करना, बिड डॉक्यूमेंट कैसे स्टडी किया जाता है, इसका एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इस क्लास में कवर नहीं कर रहे। आपको नहीं पता कैसे बिड का डॉक्यूमेंट स्टडी किया जाता है, मैंने पूरे एक घंटे की ये वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आई बटन पे इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, कैसे बिड का डॉक्यूमेंट स्टडी करना है वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आप बिड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, क्योंकि जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आगे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो बिड का डॉक्यूमेंट स्टडी करना, आई बटन से आप लिंक देख लेना। अब हम अपना क्या है, बिड पार्टिसिपेशन प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आए हम अपने बिडिंग पे, यहाँ पे ये हमारी ऑनगोइंग बिड्स है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम पार्टिसिपेट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पार्टिसिपेट पे आया, सेम जैसे यहाँ पे हमें ऑल सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लिया, सेव सिलेक्टेड शेड्यूल किया, और यहाँ पे आ गया शेड्यूल सेव सक्सेसफुली। देन जैसे ये सेव शेड्यूल सक्सेसफुली हो जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे
स्लैक कैटलॉग एक एक करना है, स्लैक कैटलॉग करना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, किस ब्रांड का आप प्रोडक्ट देंगे वो मेंशन करना है, क्या मॉडल रहेगा वो मेंशन करना है, और HSN कोड क्या रहेगा वो मेंशन कर देना है। एक एक करके आपको सब में इसी तरीके से करना है। सेम अब ये देखिए, जैसे हमने BOQ किया, तो BOQ में हमने जैसे यहाँ पे किया सिलेक्ट कैटलॉग पे, तो हमें हमारे से क्या है, मेक मॉडल और HSN कोड मांग रहा है। इसी तरह से जब आप कोई RA बिड पार्टिसिपेट करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि आपको पहले प्रोडक्ट अपलोड करना होता है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे आप सिलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है, कैटलॉग सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्रोसेस करके, ये देखिए जैसे ई रिक्शा है, अब इसमें ये RA बिट जिसमें प्रोडक्ट अपलोड करना होता है उसके लिए, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिलेक्ट कैटलॉग करना होता है, और सिलेक्ट कैटलॉग करने के बाद जो आपने 24 से 48 घंटे पहले कैटलॉग अपलोड किया था प्रोडक्ट सेम स्पेसिफिकेशन का, वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो करने लगता है। आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कैटलॉग कर लेना है एंड देन कंटिन्यू, लाइक कंटिन्यू करना है। जैसे ये हमारे पास सेव कंटिन्यू आ रहा है, वैसे उसमें भी सेव कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और सेव कर देना है। ठीक है, सेव करके फिर सेम प्रोसेस, बस यहीं तक जो BOQ बिड और RA बिड में पार्टिसिपेशन का प्रोसेस होता है डिफरेंट होता है, बाकी अदरवाइज कोई प्रोसेस डिफरेंट नहीं होता। यहाँ पे फिर हम यही सेम करेंगे, यहाँ पे मेक HSN कोड, ये सारी चीज़ें ना आपको डिटेल में डालनी है, आप यहाँ पे गलत मत डालिएगा। ठीक है, अभी तो मैं क्या है रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको जस्ट एक प्रोसेस समझाने के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे डिटेल में डालना सारी चीज़ें। इस तरीके से जब आप अपने सारे HSN कोड वगैरह डाल देंगे, एक प्रोडक्ट है तो सिर्फ एक के लिए डालना, एक से ज़्यादा है तो बाकियों के लिए भी डालना। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, सेम RA बिड में भी यही करना होता है हमें, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है, आपसे ऑफ़र प्राइस पूछा जाता है। ऑफ़र प्राइस आपको पर पीस का डालना है यहाँ पे, इंक्लूड टैक्स के साथ। ये नहीं कि आप ये सोचें कि हमें टैक्स का अमाउंट अलग से मिलेगा पैकेजिंग का, आपने जो प्राइस यहाँ पे डाल दिया वो उससे एक पैसा आपको फालतू नहीं मिलेगा। तो जो भी आपका ऑफर प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन कर देना, इस तरीके से प्राइस मेंशन कर देना। प्राइस मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा जो आपने प्राइस कोट किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका टोटल ऑर्डर वैल्यू बनेगा, अगर आपका ऑर्डर अवॉर्ड होता है तो ये आपका टोटल ऑर्डर वैल्यू बनेगा 94,000 का। तो आप भी देख लेना इस तरीके से, यहाँ पे आपको शो एस्टिमेटेड प्राइस भी दिखा देगा कि आपने जो कोट किया किस किस तरीके से कोट किया है और किसका क्या कैलकुलेशन उठाया है पोर्टल ने, जिसके हिसाब से 94,000 बन रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद सेव एंड इनक्रप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले जो है डैशबोर्ड का इंटरफेस काफ़ी अलग था, अब इंटरफेस क्या है, काफ़ी चेंजेस कर दिया गया है। बीच में अपडेट तो ये मार्च में ही आ गया था, बट अब मैं मार्च में वीडियो बना नहीं पाया था इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद अब सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। बिड में देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं लगाते, सही से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करते, तो आप बिड में क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बिड में डॉक्यूमेंट पे सबसे ज़्यादा काम करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन, कौन से डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कैसे बनाने होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख लेना पूरी और डिटेल में डॉक्यूमेंट को समझ लेना। मतलब आपको बिड सीखने के लिए मैं 2-3 वीडियोस के लिंक दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, वो सारी वीडियो डिटेल में देखनी है और उसके बाद बिड पार्टिसिपेट करनी है, तो आप बिड में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, तो मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में तो आपको जो मैं वीडियो दूंगा उसमें देख लेना। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि भाई आपने आज से पहले कितना काम किया, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, उसकी डिटेल दो। तो आपने आज से पहले जो भी काम किया होगा गवर्नमेंट या में या प्राइवेट में, उसके जो भी आपके पास सेल्स या परचेज इनवॉइस पड़े होंगे वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड आ जाता है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, आप जिस प्रोडक्ट की बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने आज से पहले उस सेम प्रोडक्ट, सेम और सिमिलर प्रोडक्ट में कितना काम किया हुआ है, उसके आपको इनवॉइसेस प्रूफ देने होते हैं यहाँ पे। मतलब कि हमने भाई आज से पहले, फॉर एग्जांपल मैं ये कंप्यूटर की बिड पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो आज से पहले मैंने कितने कंप्यूटर लैपटॉप सेल किए उसका प्रूफ देना होता है मुझे, जिसको हम कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके बाद बिडर टर्नओवर। बिडर टर्नओवर यहाँ पे आपको अपनी बैलेंस शीट लगानी होती है। बैलेंस शीट हमेशा ध्यान रखना, आपको जो लगाना है अपने CA से सर्टिफाइड करके बैलेंस शीट लगवाना है। और कई बार डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय देखिए आपके सामने इस तरीके से एरर भी आएगा, प्लीज़ अपलोड फाइल एंड ओनली फॉर लेस देन 10 MB। अब आपकी फाइल 10 MB से कम ही है फिर भी ये एरर दे देता है, तो क्या है आपको सेम ही डॉक्यूमेंट अगेन अपलोड करना है। अगर अगेन भी ना उठाए तो फिर आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अभी नहीं उठा रहा, तो आप क्या करेंगे इसी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन पे जाके कंप्रेस PDF का ऑप्शन होता है, आप ऑनलाइन लिखिए कंप्रेस PDF। ठीक है, आप यहाँ पे कंप्रेस PDF लिख दीजिए, पहली वेबसाइट आ जाएगी, और भी वेबसाइट है दुनिया भर की, आप उसको सेलेक्ट कीजिए
और यहाँ से जो आपकी फ़ाइल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से उसका साइज क्या है कंप्रेस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए आप कंप्रेस, और कंप्रेस करने के बाद ये क्या करेगा आपकी फ़ाइल का साइज कम कर देगा। ठीक है, अभी देखो 6 MB की हमारी फ़ाइल थी, आप इसने 97 KB की फ़ाइल कर दी हमारी, मतलब 1 MB से कम का भी फाइल का साइज कर दिया। आप दोबारा से आपको बिड वाले सेक्शन पे आना है अपने, यहाँ पे अब मैं आया दोबारा से और मैंने दोबारा से कंप्रेस फाइल सेलेक्ट की, अब ये अपलोड होगी। उसका मैं क्या होता, मेरी आईडी ऑलरेडी लॉग आउट हो चुकी थी इसलिए वो मेरे फाइल को अपलोड नहीं कर रहा था। तो फाइल में जब भी एरर आए, 2-3 एरर आप चीज़ें आप ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले अपनी फाइल का साइज कंप्रेस कीजिए, उसके बाद सेकेंड एक बार रिफ्रेश करके देखिए पोर्टल को नहीं हो रहा, थर्ड दोबारा से जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे पता चल जाएगा आपकी आईडी शायद लॉग आउट हो गई इसलिए अपलोड नहीं हो रही था, तो आईडी लॉगिन करो और दोबारा से कंटिन्यू करो, हो जाएगा। थर्ड हो जाता है ATC। ATC क्या होता है, ATC जब आप बिड का डॉक्यूमेंट होता है, लाइक जैसे ये बिड का PDF है, बिड के PDF में सबसे लास्ट में एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, जिसको ये जो होते हैं हमारे एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट इनको आपको क्या करना होता है अपने लेटर हेड पे कॉपी पेस्ट करके वी एक्सेप्ट ऑल एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करना होता है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना होता है। और इसमें ध्यान भी रखना होता है ATC में अगर कोई डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड किया गया है तो वो डॉक्यूमेंट भी उसके साथ में मर्ज करके लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं ATC डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है OEA मैनुअल टर्नओवर। OEA मैनुअल टर्नओवर मींस मतलब जिस बिड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप जिस ब्रांड का प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, अगर आपको बिड अवॉर्ड हो जाती है तो आपको उस ब्रांड का टर्नओवर सर्टिफिकेट, जैसे आपने अपना टर्नओवर दिया है उसी तरह से आप जिस ब्रांड का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे उस ब्रांड का टर्नओवर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होता है, तो उसको हम कहते हैं OEM एनुअल टर्नओवर। ठीक है, BOQ कंप्लाइंस एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। BOQ कंप्लाइंस एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है जो आप प्रोडक्ट इस बिड में प्रोवाइड करेंगे उस प्रोडक्ट की डिटेल स्पेसिफिकेशन, इस नाम, डिस्क्रिप्शन, GST कितना है, टैक्स रेट क्या है, HSN कोड क्या है, इसके बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अदर सर्टिफिकेशन, अदर डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास तो उन सभी डॉक्यूमेंट को एक मर्ज करके लगा देना, उसको कहते हैं हम BOQ कंप्लाइंस एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्लीज़ अपलोड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उस प्रोडक्ट में अगर कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज़ हुए हैं तो आपको उन स्पेयर पार्ट्स की प्राइस लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है, यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। और ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है ये हमारा इनक्रप्टेड डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद आ जाता है बिड कैटेगरी, ये हमारी बिड की कैटेगरी है। इसके बाद पूछता है आर यू OEM ऑफरिंग दिस कैटलॉग अवेल टू MSME परचेज प्रेफरेंस। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के OEM है, मैनुफैक्चरर है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप मैनुफैक्चरर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे आप। देखिए, अब मैनुफैक्चरर का बेनिफिट क्या होता है, अगर जैसे आप मैनुफैक्चरर है तो आपको क्या है MSME का परचेज प्रेफरेंस मिल जाता है। परचेज प्रेफरेंस में क्या होता है, अगर आप L1 नहीं आए बिड में, आप L2 या L3 के पोजीशन पे, तो भी चांसेस होता है आपको ऑर्डर का कुछ परसेंटेज आपको भी अवॉर्ड हो सकता है। ये होता है हमारे MSME परचेज प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है, इसके बाद MMI परचेज प्रेफरेंस, ये भी सेम कंडीशन है कि आपके प्रोडक्ट में अगर MMI परचेज प्रेफरेंस है तो आप यस करेंगे। और क्लास 1 क्लास 2, यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट है क्लास 1 क्लास 2 के अंदर जिसमें भी आप कवर हो रहे वो सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आपके केस में जो भी हो, अगर आपके में 50% से ज़्यादा है तो आप क्लास 1 और 20% से लेकर 50% के अंदर है तो क्लास 2 आपका कंसिडर होगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट कैसे बनाना होता है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना होता है, इसकी भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन सारी, इन सभी के अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आपको सभी वीडियोस हमारे आई लिंक बटन पे भी मिल जाएगा। और इसके लिए हमारा बिड एक्सपर्ट सेलर ट्रेनिंग कोर्स भी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे EMD EPBG, ये देखिए EPBG यहाँ पे बोला गया है 3% देना है और आपको 14 महीने के लिए देना है। EPBG क्या होता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आपसे एक बैंक गारंटी ली जाती है कि अगर आपका प्रोडक्ट बीच में ख़राब हुआ और आपने टाइमली रिस्पॉन्स नहीं किया उस प्रोडक्ट को सही करवाने के लिए, तो हम आपकी जो बैंक गारंटी होगी उसमें से पेमेंट काट के हम अपने प्रोडक्ट को सही करा लेंगे। अगर आपने टाइमली रिस्पॉन्स कर दिया तो 14 महीने बाद हम आपकी EPBG रिटर्न कर देंगे, इसको कहते हैं हम EPBG बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और लास्ट स्टेप जो है हमारा यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। और एग्री पे क्लिक करने के बाद ये सारे बिड के टर्म्स एंड बिड को वेरीफाई करने के 3 पॉइंट होते हैं, आप OTP से वेरीफाई कर सकते हैं, ईसाइन से कर सकते हैं, DSC से कर सकते हैं इसको OTP वेरीफाई, और आपकी बिड क्या होगी, पार्टिसिपेटेड डन हो जाएगी। ये बिड पार्टिसिपेशन ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं,
कि आपने इस बिड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वो सारे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट है, और बिड को हमेशा OTP से वेरीफाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट ना एक एक बार लॉगिन ओपन करके चेक कर लेने चाहिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट लगाए कि नहीं लगाए। सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आप क्या करो, यहाँ से वेरीफाई विद OTP पे क्लिक करो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो OTP मेंशन कर दो और आपकी ये बिड हो जाएगी सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड। इसके बाद आपको बिड का स्टेटस वगैरह चेक करना होता है, वो नेक्स्ट पार्ट होता है। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस बिड में क्या नए अपडेट्स के साथ कि कैसे अब आपको बिड को पार्टिसिपेट करना है। बाकी नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट कर दो, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर वीडियो बन जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक आप जो भी कमेंट करेंगे उस वीडियो के साथ, ठीक है।